कम्युनिटी स्टेबिलिटी बज द कॉन्टेंट्स कम्युनिटी स्टेबिलिटी सक्सेशन पाइनर कम्युनिटी सीरियल स्टेज क्लाइमैक्स कम्युनिटी प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन तो फर्स्ट वर्ट इज द कम्युनिटी स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स कम्युनिटी स्टेबिलिटी से पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी क्या है कम्युनिटी इज़ बेसिकली द एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एट स्पेसिफिक एरिया किसी भी खास जगह के ऊपर जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर रहती हैं तो दैट इज़ द कम्युनिटी तो वो मिलकर जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं इसका मतलब ये होगा कि कम्युनिटी अगर कोई पॉपुलेशन आगे कम्युनिटी को ज्वाइन करेगी तो वो कम्युनिटी का तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई करेगी इस तरह से अगर कोई पॉपुलेशन जा रही होगी तो किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिटी जो होती है वो कभी भी स्टैटिक फॉर्म में नहीं रहती हैं वो मसल उसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन बहुत सारे मैंबर्स ज्वाइन कर रहे होते हैं और बहुत सारे मेंबर्स को छोड़कर जा रहे होते हैं सो सम टाइम एक कम्युनिटी बनती है उसके बाद माइट पॉसिबल कि वो बहुत सारी पॉपुलेशन उसको छोड़कर चले जाए और कम्युनिटी से के साथ जाए वो ख़त्म हो जाए और एक नई कम्युनिटीज की जगह आकर इस्टिश हो जाए सो so, इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटीज़ जो हैं दे आर बॉर्न एंड दे डाई कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो इकट्ठी पॉपुलेशन इकट्ठी होने से बनती हैं पैदा होती हैं और इसके बाद जब पॉपुलेशन सेपरेट हो जाएंगे दे विल डाई कम्युनिटी खत्म हो जाएगी नई कम्युनिटीज की जगह आकर आबाद हो जाएगी सो कम्युनिटीज़ आर नॉट द परमानेंट स्ट्रक्चर तो कम्युनिटी कोई परमानेंट एसोसिएशन नहीं है बल्कि ये एक डायनामिक एसोसिएशन है सो चेंजेस इन कम्युनिटी अब कहते हैं कि बहुत से कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेस हैं सम ऑफ द चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर दे आर टेम्परेरी टेम्परेरी हैं मीन्स वेन आ चेंज इन इज सीन इन द पॉपुलेशन इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर माइट पॉसिबल दैट चेंज इज़ नॉट प्रेजेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन एक जनरेशन में हमें कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नजर आती है अगले जनरेशन में जाकर वो चेंज है वो दोबारा से ख़त्म होती है सम चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर दे आर परमानेंट कुछ चेंजेस जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं और फिर वो जो होती है वो वंस दे आर है प्रजेंट दे विल रिमेन इन टू द कम्युनिटी स्ट्रक्चर कि जो भी चेंज होगी वो थ्रू आउट फिर कम्युनिटी स्ट्रक्चर में रहेगी जैसे अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है और कुछ पॉपुलेशन उस कम्युनिटी को छोड़कर चली जाती हैं अब जब तक वो इन्वायरमेंटल कंडीशनस रहेंगी वो पॉपुलेशन दोबारा उस कम्यूनिटी का हिस्सा नहीं बनेगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो परमानेंट चेंज हो जाएगी सो so, अगर हम किसी भी इकोसिस्टम को देखते हैं तो इकोसिस्टम सिस्टम के जो कम्युनिटी आबाद होती हैं वो आमतौर पर जब इकोसिस्टम एक बनता है तो उस वक्त जो कम्युनिटीज़ मौजूद होती हैं उस इकोसिस्टम की सारी लाइफ में सिर्फ वही कम्युनिटी नहीं रहती है बल्कि नॉर्मली जो देखा गया है या एक्सपेरिमेंटली जो चीज प्रूव है कि जब एक इको एक सिस्टम होता है वहाँ एक कम्युनिटी जो होती है वो आबाद होगी जैसे जैसे इको सिस्टम मेचोर होता चला जाएगा उसके अंदर जो कम्युनिटीज़ है वो मॉडिफाई होती चली जाएंगी एक नई कम्युनिटी आबाद हो जाएगी पहले वाली रिप्लेस हो जाएगी उसके बाद एक नई कम्युनिटी आ जाएगी नई कम्युनिटी तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज दे आर रिप्लेसड इन सक्सेसिव मैनर इन द इको सिस्टम दिस इज कॉल्ड द सक्सेशन इसको हम जब वो, अगर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा क्लियर करना सक्सेशन क्या है अगर एक इको सिस्टम कहीं स्टार्ट हुआ है बेयर लैंड के ऊपर एक तो उसके ऊपर सबसे पहले लाइकन्स आएंगे तो लाइकस एक कम्युनिटी बनाएंगे थोड़े अरसे के बाद ब्रायोफाइट्स साक्रा मॉसेज वहाँ अगर कर ग्रो करना शुरू कर देंगे तो इस तरह से क्या होगा कि मॉसेज़ के आने से जो पहले वाली कम्युनिटी है वो रिप्लेस हो जाएगी नई कम्युनिटी बाद हो जाएगी उसके बाद फर्दर स्टेज कुछ टाइम के बाद मॉसिस को रिप्लेस कर देंगे फर्नस और फिर फर्नस को रिप्लेस करेंगे ट्रीज़ तो इस तरह से एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस करती चली जाएगी दिस फिनिना इज कॉल्ड द सक्सेशन तो इसको जो है वो एक सक्सेशन जो है उसका नाम देते हैं अच्छा जो सक्सेशन का फिनोमिना है इसका मतलब यह किसीो सिस्टम के अंदर कोई भी कम्युनिटी जो है वो परमानेंट नहीं है आमतौर पर एक कम्युनिटी या उसको दूसरी कम्युनिटी किसी न किसी टाइम के ऊपर आकर रिप्लेस करना है सो द वेरी फर्स्ट कम्युनिटी विच इस्टेब्लिश ऑन एन एको सिस्टम दैट इज कॉल्ड द प्वाइनियर कम्युनिटी पवानर का लफ्जी मतलब क्या होता है बानी सबसे पहले शुरू करने वाला तो पवाइनर कम्युनिटी से मुराद ये है कि ऐसी कम्यूनिटी जो किसी एकोसस्टम पर सबसे पहले आकर क्या होटैबलिश होगी जैसे अभी मैंने कहा कि अगर एक लैंड स्लाइडिंग या कोई रॉक्स वगैरह सामने से आ गया है जमीन के नीचे से तो उस रॉक्स के ऊपर सबसे पहले लाइकन्स ग्रो करते हैं तो लाइकन्स जो है वो सबसे पहली कम्युनिटी बनाते हैं जो तो प्राइमरी जो हमारे पास सबसे यानी प्वाइनर कम्युनिटी होगी वो लाइकन्स की होगी तो इस सीरियल स्टेज सीरियल स्टेज जो है अगर हम इसको देखें सो so, ये बेसिकली जो है वो इट इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज तो ये अगर हम इसमें देखते हैं कि अभी जैसे हमने कहा कि इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट जो कम्युनिटीज होती हैं वो क्या करती हैं वो एक कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस करती है दूसरे को तो अब ये जो है जो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज बनेगा उसको हम क्या कहेंगे सीरियल स्टेज है ये फर्स्ट कम्युनिटी सेकेंड कम्युनिटी थर्ड कम्युनिटी तो इसको ओवरऑल हम क्या कहेंगे ये क्या है कि ये सीरियल स्टेज है फर्स्ट सीरियल स्टेज सेकेंड थर्ड और फोर्थ वन जो होगी तो हर इकोलॉजी के सक्सेशन की हर स्टेज बेसिकली एक सीरियल स्टेज को रिप्रेजेंट करेगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज बेसिकली द क्लाइमैक्स का कहते हैं किसी के है? किसी कोई चीज जब अपने फुल फॉर्म में होती है तो हम क्या कहते हैं कि एक क्लाइमैक्स है इसका सिमिलरली इकोसिस्टम जब फुली स्टेब्लिश हो जाता है तो फुली इस्टैब्लिश जब इस्टैब्लिश होना शुरू हुआ उस वक्त प्वाइनर कम्यूनिटी थी जब वो फुली इस्टैब्लिश हो जाता है तो उस वक्त जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसको फिर हम क्लाइमैक्स कम्यूनिटी का नाम देते हैं जैसे कि लैंड सिस्टम है तो लैंड एको सिस्टम है जो क्लाइमैक्स है वो फॉरेस्ट से होते हैं तो फॉरेस्ट रिप्रेजेंट द क्लाइमैक्स कम्युनिटी अच्छा ये जो सक्सेशन है अगर हम इसको देखते हैं ये दो तरह से इस्टेबलिश होता है यानी कोई भी इको सिस्टम दो तरह से इस्टेब्लिश हो सकता है फर्स्ट द प्राइमरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है सक्सेशन का जिसमें ऐसी जगह के ऊपर इकोसिस्टम इस्टैब्लिश होता है जहाँ पहले कभी कोई कम्युनिटी आबाद नहीं थी जैसे ग्लेशियर है ग्लेशियर के मेल्ट होने से लेक लेक बन गई है अब वहाँ पहले कभी लेक नहीं थी अब एक नई लेक बनी है अब उसके ऊपर अंतर्रास्था आस्था कम्युनिटी इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगी तो दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन इसी तरह से लैंड स्लाइडिंग हुई है नीचे से एक बिल्कुल बेयर लैंड निकल आई है रॉक्स निकल आई हैं अब वहाँ उन रॉक्स के ऊपर पहले कोई कम्युनिटी आबाद नहीं थी अब जो उसके ऊपर सक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा कम्यूनिटी आबाद होना शुरू होगी दिस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं कि ऐसी जगह के ऊपर कम्युनिटी का आबाद होना जहाँ पहले कभी इकोसिस्टम मौजूद था लेकिन नेचुरल कैटरा की वजह से वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया जैसे अगर एक ग्रास लैंड थी तो ग्रॉसलैंड में ये हो गया कि उसके बाद उसके फायर ने उसको कैच किया और कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो जब कोई इको किसी नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है उसकी जगह एक नया इको जब आबाद होना शुरू हो जाएगा तो दिस विल कॉल्ड एज द सेकेंडरी सक्सेशन